पीआरटीसी मुलाजमान अते बस सवारियां दे विचाले झड़प हुई है। सीट देने नूं लैके यह सारा मामला पक्या, जिस तों बाद आपसी झड़प हुंदी है, गल हत्थों पाई तक पहुंच जाती है। अते कहा जा रहा है कि सवारी दे वल्लों हत्थों पाई की गई, जिस तों बाद मुलाजम की दस्तार भी लत गई, जिस तों बाद मुलाजमान दे वल्लों संगरूर विखे चक्का जाम कर दिता गया। होर भी जो पीआरटीसी की बसा सीगियां उन्हां दे वल्लों मेन चौंक दे विच अपना रोस प्रदर्शन किया गया। इस विचाले पीआरटीसी दे मुलाजमान ने अपना रोस प्रगटाया अते उत्थे ही प्रशासन से इस संबंधी कार्रवाई की भी गल आखी गई है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पीआरटीसी मुलाजमान के वलों पुलिस के नाल भी बहस की गई है। मुलाजम का कहना है कि बस के सवारियां लेके जा रहे सी, एक सवारी के वलों साडे ड्राइवर कंडक्टर के नाल कुटमार की गई, जिस तों बाद पीआरटीसी मुलाजमान के वलों रोस प्रदर्शन किया गया। संगरूर के मेन चौंक में ही बसा खड़ार दित्तियां गईयां अते अपना रोस प्रगटाउंदे होए उन्हां दे वल्लों चक्का जाम कर दिता गया। तां खबर संगरूर तो सामने आई है, जिथे पीआरटीसी मुलाजम अते सवारी दे विचाले पहलां झड़प हुंदी है अते गल हत्थों पाई तक पहुंच जाती है। हालांकि जो पीआरटीसी दा मुलाजम है उसने सवारी ते इल्जाम लगाए ने कि उसके वल्लों साडे बस दे ड्राइवर अते कंडक्टर दे नाल हत्थों पाई की गई सी अते सीट नूं लैके ये जो विवाद सी ये झड़प दा रूप धारण कर गया, जिस तों बाद मामला इन्ना पक्या कि पीआरटीसी मुलाजमान ने मेन चौंक के विच ही बसा खिलार दित्तियां अते अपना रोस धरना जो है मौके पर ही शुरू कर दिता गया। इस मौके पुलिस पहुंची, पुलिस के वलों मुलाजमान नूं समझाउण की कोशिश की गई, पर अपनी मंगां नूं लैके कार्रवाई नूं लैके मुलाजम डटे रहे, अड़े रहे अते उन्हां दे वलों जो धरना है वह लगा दिता गया। अते सब दे विचाले जो राहगीर सी उन्हां नूं वड्डियां मुश्किलां दा सामना करना पिया, और इत्थों तक कि बस के सवार जो सवारियां सीगियां उन्हां नूं भी वड्डियां मुश्किलां दा सामना करना पिया। आखिर के चौंक के विच ही जो बसा ने खिलार दित्तियां गईयां सी, चारों पासों जो राह सी उसनूं मुकम्मल तौर पर बंद कर दिता गया। इस विचाले पीआरटीसी मुलाजमान के वलों जम के नारेबाजी भी की गई। सानूं घंटा डेढ़ हो गया इत्थे बैठियां नूं, हुण पता नहीं कदों तक जाम खुलेगा, कदों असीं पहुंचांगे। असीं सवेर दे घरों निकले हुए हाँ। हाँ जी, मौसम गर्मी भी इन्नी ज़्यादा है, हुण इन्नी सफोकेशन जी हो रही है, बस के बहना भी खड़ना भी तो औखा हो रहा, हम पता नहीं की बनेगा अगे जाके। असीं जी मलेरकोट जाना संगरूर तो। किन्ने देर हो गई जाम दे बच्चियां नूं? एक घंटा हो गया जी। किस तरह दे कि गर्मी भी इन्नी है ते जाम दे विच की कहना चाहते? बस जी जनता बहुत हैरान हो रही है, छेती तुरनिया चाहिए ने बसा, और की कहना चाहते हैं। मैं पी आर टी बतौर ड्राइवर के साथ जथेबंदी के सहायक सैकटरी हाँ। दिक्कत जनाब साड़ी गड्डी सवेरे संगरूर डिपू की शेरपुर तो चल के संगरूर वाल आ रही थी, जो धूरी पहुंची गड्डी आ गए तो धूरी के ज़्यादा सवारी होने करके गड्डी के क्योंकि साड़िया गड्डिया 52 सीटां ने सवारी असी ये 100-100 150-150 सवारी लद लें क्योंकि हरेक ने जाना हों सब की मजबूरी समझते हैं, पर साड़ी मजबूरी कोई नहीं समझता क्योंकि पंजाब के लोग ने जोड़े सानू ए समझते हैं भी जोड़े ड्राइवर कनैक्ट ने यूपी बिहार तो आए हुए हैं भी ये साडे भैन भाई नहीं है। साढ़े जो ड्राइवर भीर ने गल कही सवारी नूं भी वीरे थोड़ा जिहा ताकी तो उपर हो जा, तुसीं ताकी तो गिर सकदे हो थले, भी तुसीं थोड़ा ताकी तो उपर हो जाओ, तो उहदे नाल इक मुंडा खड़ा सीगा, मुंडा मुंडे नूं तां कुछ भी नहीं किया, उहने मुंडे ने आके साडे ड्राइवर दे कनैक्टर नाल हत्थों पाई की आ, कनैक्टर दे साडे कपड़े पाड़ते तो उहदी पग लाही गई आ। उस इनसाफ दे लई असीं इत्थे रोस वजो धरना लाया होया जी। प्रशासन वालों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, पर जड़ी प्रशासन वालों नहीं कार्रवाई हो रही उसे करके ही उसे तहत असी इसे करके इतने अच्छा रोड जाम किया हो। अगर प्रशासन उन्होंने परचा करता कोई भी कार्रवाई करता तो तुरंत असी जाम खोल देवे। बिल्कुल पछाण है जी, वो बंदे उत्थे आके धमकियां दे के कहने वीडियो बनिया हुई ने, फोटो खिंचिया हुई ने, तो बकायदा वो बंदियां ने आके अपने परिवार समेत आके उन्होंने हथों पाई करके ड्राइवर कनैक्टर के धक्के आके साडे तो गलतियां मनवा रहे हैं। यानी कि इन्ना क प्रशासन की घटिया मतलब आप देख सकते हैं भी प्रशासन वालों कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। असी एक मुलाजम पी आर डी के उस होने के नाते असी प्रशासन को बेनती करते हैं हथ बन के भी साडे वल ध्यान दिता जाए, असी इस तरह की नौकरी करने तो बहुत परेशान है। सरकार को बेनती है कि वध तो वध बसा पाई जाने, जो आम पब्लिक लिए तुसी इह सहूलत दिती आ फ्री वाली, वह जिहड़े लोग ने सफर सहूलत का वधिया आनंद लै सकन, पर जिहड़े लोग ने वह सानू ही दोषी समझते ने भी शायद इन्हां दी कोई गलती आ भी ड्राइवर कनैक्टर जान के नहीं लग जाते। तुसी देख सकते हो कदे भी तुसी बस स्टैंड दे विच जायो एक 52 सीटर बस आ, उहदे विच 100 तो प्लस सवारी हुंदी आ, असी अपनी जान ते जोखम ते पा के लोगों अपनी मंजिलों तक पहुँचाउणे आ।
दिक्कत आऊगी जी, एदी दिक्कत दी जिहड़ी कारवाई जिहड़ा प्रशासन ही कर रहा उहदी सारा खामियाजा जो प्रशासन आई है प्रशासन ही कारवाई कर रहा। यह जिहड़ी सरासर नाकामी आई है प्रशासन की आ, अगर प्रशासन ने बनदी कारवाई उन्होंने की होंगी दोषी गिरफ्तार किए होंगे तो अज ये आ अंजाम देखने ना मिलता जी। बिल्कुल जी असं लंघाने जी, कोई भी सानू आके परेशानी दसदा कोई भी कित भी उन्होंने दूर दराडे जाना हूँ असं एक दो वाहन लंघाए ने थोड़े सामने लंघाए ने कोई भी आँदी है दिक्कत इदा दी लंघाने जी कोई इदा की दिक्कत नहीं गी सर। देखो जी जी आम आदमी पार्टी सरकार है ये बिल्कुल नो लोग इस तो ना खुश ने क्योंकि जिस दिन की आम आदमी पार्टी सरकार आई है तकरीबन अज पौने 3 साल हो चुके हैं। अज की घड़ी के पी आर डी के तकरीबन 500 तो लेकर 600 बस आ जी कंडम हो चुकी है लेकिन कोई भी बस नवी नहीं पाई जा रही। इसका नतीजा अच्छ देखने के मिले कि जी सवेरे शेरपुर तो संगरूर के लिए बस आ रही थी वह तकरीबन 100 तो प्लस सवारी सी। जब कनैक्टर ने किसी सवारी उपर होने के लिए कहा तो उन्होंने उन्होंने पग ला दी गई तो उन्होंने कपड़े तक पाड़ दिए गए। ये जनाब प्रदर्शन उद तक टाइम तक जारी रहेगा जब तक पुलिस प्रशासन उन्होंने जेडे गुंडा गुंडा लोग ने उन्होंने परचा दर्ज करके उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करती। इन्होंने गलबात चल रही है इन्होंने कहा भी बहुत किसी ने दिल्ली जाना एंबूलेंस फसिया हुई ने थोड़े सामने रिक्वेस्ट की थी नहीं मन रहे टेबल टॉक तो होगा ना गल जो हो गया एक तो परख थोड़ा छोड़ा जाऊगा एस एच ओ साहबान खड़े डी एस पी साहब खड़े ने धूरी उत्थे जाके गलबात कर नहीं हो फिर जाम लग जूगा ना जाम ला उन्होंने मत लिया लगे जोड़ा बत्ती वाला चौंक एक थान जाम रख लेना हाईवे जाम कर रखे किसी ने कितने जाना किसे जाना है वो खोलना चाहिए अपना गलबात चल रही है जाम करने परमिशन लेनी पैंती होंगी है।